हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मिलते हैं हम आपको न्यू ब्लॉग के साथ। कुछ मेरे दोस्त लोग और कुछ लोग के दोस्त की आंटियाँ बोल रही थी कि विक्की आज का ब्लॉग नहीं बना रहे, 3-4 दिन हो गए डेली ब्लॉग डाल रहे थे, अब बीच में क्या हो गया जो ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो फिर मैं सोचा आज एक न्यू ब्लॉग बना ही लेता हूँ। तो आज मेरा एक स्पेशली ब्लॉग है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या स्पेशली इस ब्लॉग में। तो 15 जून का मेला लगा था कैंची धाम का, साथ वाले आए थे सुबह बुलाने पर मेरे को कहीं और जाना था, तो इस कारण मैं कहीं और चले गया, तो वो प्रसाद मुझे मिल नहीं पाया। तो भगवान को पता ही है कि प्रसाद नसीब वाले को मिलता है, तो वो प्रसाद खुद मेरे घर चल कर आया है। दिखाएंगे हम आपको प्रसाद आगे की ओर। तो साथ वाला नीम करौली बाबा के वहाँ गया था 15 जून को सुबह सुबह, और फिर वहाँ से 2 प्रसाद आए, एक अपने घर के लिए लाया और एक मेरे घर के लिए लाया। तो वो प्रसाद हम आपको दिखाते हैं कि मालपुआ कैसा होता है, कि आप तक कभी देखा नहीं होगा। मैं तो हर साल ही जाता हूँ, एक आध साल में कभी कभी गैप हो जाता, बाकी तो वहाँ मेरी रिश्तेदार रहती हैं। मैं दिखाता हूँ आपको मालपुआ कैसे होता है और सब्ज़ी कैसी होती है आगे की ओर। तो देख सकते हैं ये है वहाँ की सब्ज़ी, जो एक वाइट कलर के टिफ़िन में मिलती है। देख सकते हैं सब्ज़ी पूरी जम चुकी है, क्योंकि ये परसों लेके आया था अपने घर में, उन्होंने फ्रिज में रखी थी, पूरी जम चुकी है। देख सकते हैं फ्रिज, और इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही। इसके बाद 2 दिन हो चुके हैं, 15 जून को लाया था और 17 जून को मुझे ये नसीब हो रहा है, क्योंकि वो भी कहीं चले गया था। और ये होते हैं, दिखाते हैं हम मालपुआ, ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। किस चीज़ के बनते हैं अम्मी? ये घी के बनते हैं, तभी इसका नाम मालपुआ रखा गया। देख सकते हैं कितने करारे हैं, 2 पीस हैं ये, बहुत बड़े होते हैं। एक बंदा खा लेगा तो उसको आराम से उसका पेट भर जाएगा। ये है हमारे नीम करौली बाबा का प्रसाद। बाकी वो मेरे लिए एक छोटा सा लॉकेट भी लाया था, और एक क्या नाम है, फ़ोटो लेकर आया नीम करौली बाबा की, जो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है वो। आप देख सकते हैं हम प्रसाद खा रहे हैं, जो कि आज 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बाद ही हमें प्रसाद नसीब हो रहा है। दोनों भाई मनोज भी और मैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये खाने में। आए हाय, अमृत है, अमृत या किसी अमृत चीज से कम नहीं हो। वाह, तो फाइनली आप देख सकते हैं जो 2 चीज़ मैं आपको बता रहा था। एक तो ये मेरे गले में देखिए लॉकेट है नीम करौली बाबा का, इस तरफ हमारे हनुमान जी बने पड़े हैं, देख सकते हैं आप कैमरे में, और दूसरी तरफ बने हमारे नीम करौली बाबा जी। बाकी एक चीज़ और दिखा रहा था मैं आपको, जो ये तस्वीर है नीम करौली बाबा जी को, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ एक मटक के। ये हमारा भाई लेके आया था कैंची धाम से नीम करौली बाबा जी की तस्वीर, देख सकते हैं आप। और ये है लॉकेट नीम करौली बाबा जी का, देख सकते हैं आप। दूसरी तरफ हनुमान जी बने हुए पड़े, ये भी देख सकते हैं आप। जय श्री राम। फाइनली ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे हम आपको न्यू ब्लॉग के साथ। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए विक्की चंदा ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता।